बदायूं में जो अब तक के रुझान आए हैं उसमें पहले चरण की गिनती पूरी हुई है और उस पहले चरण की गिनती में भारतीय जनता पार्टी को 779 वोटों की मिली है और अलग अलग विधानसभाओं में जैसे दिल्ली विधानसभा में हमको 3 राउंड के बाद 4000 कुछ वोटों की बदायूं में लीड है। सहसवान में हम लगभग लीड पर हैं तो बिसौली में लीड पर है। इस आधार की जो ट्रेंड है उससे ये निश्चित हो रहा है कि बदायूं में बड़े मत से बड़े अंतर से कम एक मुद्दा यहाँ पर रहा है हमेशा ये सादा चुनावों का जवाब है कि बाहरी प्रत्याशी यहाँ पर जीत के गए अब की बार आप स्थानीय हैं ये आपने शुरू से ये बात हर अपने सभा में कही है तो क्या कहें इसमें ये कि इसका मुझे यहाँ के जो मैंने पहली बार कहा था कि मैं आपका भैया हूँ तबुआ हूँ तो उसमें लोगों ने मुझे लाड प्यार दिया है अपना आशीर्वाद दिया है और बदायूं के जो सम्मानित नागरिक हैं सम्मानित माताएं बहनें हैं उन सबका आशीर्वाद मुझे मिला है तो मैं इतना ही कह सकता हूँ शुरुआती रुझानों के साथ में कि हम लोग यहाँ ऐतिहासिक जीत पाए। बिंदौर और सहजवान सभा का गढ़ कहा जाता है वहाँ से आप अपने आप को कितना हम लोग चुनाव जीतेंगे गुन्नौर से। मैंने कहा इस बार ऐतिहासिक जीत होगी तो वो ऐतिहासिक इसीलिए होगी हम गुन्नौर और सहजवान में भी चुनाव जीते वहाँ के लोगों ने भी हमको बहुत बड़े मत से लाड़ प्यार दिया है। बीजेपी को सभी जाति वर्ग का सभी संप्रदाय का वोट मिला है हम किसी एक वर्ग में सिमट कर नहीं रहे हैं हमको सभी का आशीर्वाद।